कमलनाथ सरकार अवैध उत्खनन रुकने के चाहे लाख दावे करे, लेकिन सच्चाई ये है कि अवैध उत्खनन प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। रेत माफिया रीवा में इस कदर हावी है कि प्रशासन अब कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। रीवा में टमस नदी को रेत माफियाओं ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। यहाँ मशीनों से भारी मात्रा में रेत निकाली जा रही है, लेकिन ना तो प्रशासन इस पर कुछ कर पा रहा है, ना ही सरकार। मध्य प्रदेश में बेखौफ होकर रेत खनन माफिया रीवा में त्योंथर के मध्य से गुजरने वाली जीवनदायिनी टमस नदी का सीना छलनी कर रहे हैं। नदी में मशीनों की मदद से प्रशासन की नाक के नीचे गंगतीरा घाट, डेघर और चिल्ला घाट में रेत निकालने का अवैध कारोबार किया जा रहा है। कमलनाथ सरकार और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। प्रशासन की अनदेखी के चलते हैवी मशीनों से प्रतिदिन यहाँ रेत की अवैध निकासी होती है। रेत माफिया बेखौफ होकर त्योंथर चौकी सुहागी थाना के क्षेत्र से रेत ले जाते हैं। वहीं पूरे गोरख धंधे में जिम्मेदार अधिकारी एक दूसरे को पत्र लिखने की जानकारी देकर पल्ला झाड़ने में लगे हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। सूत्रों की माने तो प्रतिदिन 50 से अधिक गाड़ियां रेत निकालकर उसको जिले के अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में सप्लाई किया जाता है। इस मामले को लेकर जब त्योंथर SDM MP बरार से बात की गई तो उन्होंने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया, हमने कलेक्टर व खनिज विभाग को पत्र लिखा है। इस संबंध में मैं पहले ही कलेक्टर को लिखा, खनिज अधिकारी को लिखा, पुलिस को भी लिखा और इसकी रोकथाम के लिए जो परिवहन है एक इसका बैरियर या अस्थायी चौकी बनाने के लिए भी लिख चुका हूँ और कलेक्टर साहब को भी मैं बता चुका हूँ, तो निकट भविष्य में इसकी जो है सख्त कार्रवाई होगी पूरी टीम के साथ। वहीं त्योंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी का कहना है कि हम समय समय पर अधिकारियों को इसकी जानकारी देते हैं, अगर यह कहा जाए कि माफिया के सामने प्रशासन ने भी घुटने टेक दिए हैं तो गलत नहीं होगा। एक तरफ तो प्रदेश सरकार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का दम भरते नहीं थक रही और दूसरी ओर खुलेआम रेत का अवैध परिवहन चल रहा है। शासन को हर माह लाखों की चपत लग रही है। यूं तो अवैध उत्खनन को लेकर खनिज मंत्री और कंप्यूटर बाबा की जंग जारी है, दोनों ही अवैध उत्खनन रोकने का दम भरते हैं, लेकिन लगातार बढ़ रही अवैध घटनाओं ने इन नेताओं के दावों की पोल खोल दी है। कंप्यूटर बाबा के संतों के साथ नदी किनारे अवैध उत्खनन रोकने के लिए डेरा डालने वाली बात भी अब समझ से परे हो गई है। समय समय पर हमने कलेक्टर और SDM से इस संबंध में चर्चा किया है, उन्होंने आश्वासन दिया कि ये अवैध खनन हम नहीं होने देंगे, लेकिन आपको ये मालूम है आप पत्रकार हैं, हम फिर से उस संबंध में जानकारी संज्ञान में लेके सीधे कलेक्टर से बात करते हैं कि यहाँ यहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है, इस पर प्रतिबंध लगाने का काम करें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।